नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। अब समाचार विस्तार से। नगर निकाय चुनाव के लिए सीसीटीवी की निगरानी में गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन में पर्चों की बिक्री शुरू हुई, जिसके संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम के पार्षद प्रत्याशी के नामांकन के लिए कुल 427 प्रत्याशियों ने फॉर्म लिया है। इसके अलावा मेयर पद के प्रत्याशी के लिए 12 प्रत्याशियों ने फॉर्म लिया है। मेयर पद के प्रत्याशी पुरानी कलेक्ट्रेट के अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व के न्यायालय से फॉर्म ले सकते हैं और पार्षद पद के प्रत्याशी गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन से 80 वार्डों के फॉर्म ले सकते हैं और 17 अप्रैल तक फॉर्म को भर कर जमा कर सकते हैं। साथ में एक निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करने का भी एक फॉर्म है, उसको भी दे दिया। निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करने का फॉर्म एक प्रकार से आप 4 पेपर उनको देंगे, प्रारूप 5 कर, प्रारूप 7 निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करने का फॉर्म और जमानत धनराशि जमा करने का, इसको व्यवस्थित रख लें। कोई भी व्यक्ति जो नामांकन प्रपत्र खरीदने आएगा उसमें खरीदने वाले का नाम की जगह जिसके लिए वो भेज रहा है और ब्रैकेट में खरीदने वाले का नाम लिख सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस और डिप्टी डीओ नगर पंचायतें हूं। आपको ये सूचित करना है कि हमारे गोरखपुर नगर निगम के मेयर पद के नामांकन का कार्य हमारी जो कलेक्ट्रेट है, जो पुरानी कलेक्ट्रेट जिसको कह सकते हैं, वहाँ एडीएम फाइनेंस के न्यायालय में होगा। वहाँ से आप आज फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और 17 तक अपना नामांकन प्रपत्र जमा कर सकते हैं। हम अभी विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में खड़े हैं। यहाँ पर जो सभासद गण हैं, मतलब 80 वार्ड है, 80 वार्ड का नामांकन यहाँ पे होना है। नामांकन के लिए लोग आ गए हैं और फॉर्म लेने के लिए भी लोग आ गए हैं। अभी कार्य प्रारंभ हो गया है और 17 तारीख तक ये चलता रहेगा।